आपको पता है आप हेल्दी खाना खा रहे हो, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है हेल्दी खाने के साथ, कि आपको वो खाना अच्छा लगता है। अगर आपने हेल्दी खाना खाया, उसके सामने बैठे हो और खाने को ऐसे देख रहे हो एक दवाई के जैसे, तो पता है आपने देखा मेरा फेस कैसे हो गया? वही हमारा बॉडी करता है। आपको अगर कोई चीज़ बहुत ही टेस्टी लगती है तो उसको हेल्दी तरह से, टेस्टी तरह से बनाने के ऑप्शन ढूंढिए। जैसे अगर आज मुझे चीज़ बनाना है तो मैं उसको कैजू नट्स, हमारे कैजू नट्स के साथ चीज़ी ड्रेसिंग्स बनाती हूँ। सो नट भी हो गया और मेरा चीज़ी क्रेविंग भी ख़त्म हो गया। उसी तरह से अगर हम हेल्दी खाने को मस्त होके खाएंगे ना, तो ही वो हेल्दी है, तो ही हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर हमने खाने के लिए खा लिया तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो रिमेंबर दैट यू शुड लाइक वॉट यू ईट, ओनली देन वो खाना हमारी बॉडी पे वर्क करेगा, अलॉन्ग विथ फीलिंग हंग्री, अलॉन्ग विथ टेकिंग केयर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स दैट आई मेंशन इन द अदर वीडियो। सेकेंडली, आपको लेट से कोई क्रेविंग है, अगर आप गुजराती हो तो आपको खमन की, अगर आप क्रेविंग होती है बर्गर या सैंडविचेस की, जब हो रही है ना, सप्रेस मत करो। दिन रात अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बॉडी तो प्रिपेयर्ड हो गया, सलाइवेशन भी निकाल दिया, सलाइवेशन भी हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस भी निकल गए, लिवर भी रेडी हो गया बाइल के साथ, बट हमने उसको दिया ही नहीं, तो वो एम्प्टी रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर रोज़ खाना है, पर जब क्रेविंग होती है इतनी कोई भी आपके टेस्टी फूड की या कोई मेमोरी फूड की, कि मेरी मॉम ने ये बनाती थी, ग्रैंड मॉम ये बनाती थी, तो वो मेमोरी के साथ जब हम खाना खाते हैं उसको मज़े से खाइए। डू यू हियर द वर्ड मज़ा? वो खाने को प्लेजरेबल बनाइए, तब हमारा बॉडी वो खाने को एक्सेप्ट कर लेगा, डाइजेस्ट भी कर लेगा। पर उसको बैलेंस करना है विथ, जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को देती हूँ लेमन शॉट्स। इसका मतलब क्या होता है? बस नींबू, प्लेन नींबू, क्योंकि जो भी हमारा लोड है जो बढ़ जाएगा शायद वो इससे ख़त्म हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट डे गो मोर ऑन फ्रूट्स, गो मोर ऑन वेजिटेबल्स, रिड्यूस योर ग्रेन लोड, इन्जॉय करें जिस दिन खा रहे हो, नेक्स्ट डे उसको बैलेंस करना सीख लीजिए। जब हम ये बैलेंसिंग एक्ट करेंगे ना, हम गिल्टी नहीं फील करेंगे और हम वो भी खा पाएंगे जो हमको एक मेमोरी के साथ अटैच्ड है। आज जब मेरे को खुद को सैंडविचेस की क्रेविंग होती है, मैं उसको खाती हूँ, मैं कर्ब नहीं करती हूँ, बट देन नेक्स्ट डे आई टेक केयर कि मेरे को मेरा हेल्दी डोज ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में शायद टॉक्सिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट जब बिलीव मी हम मस्त होके हमारा प्लेजरेबल खाना खाते हैं ना, तो बॉडी प्लेजर और हैप्पी हॉर्मोन सिक्रेट करता है। थर्ड थिंग, कॉन्शियसली है ना कम मत खाइए, कि अच्छा मुझे कॉन्शियसली कम खाना है क्योंकि फिर मेरा वज़न बढ़ जाएगा या मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। नो, बॉडी अवेयरनेस के साथ खाना है। खाने को जब हम धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेट भर चुका है। कॉन्शियसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना है, तब आप जान जाओगे कि बस इनफ। डोंट बी लाइक कि नहीं बॉडी को खाना है पर आप दे रहे नहीं हो। लिसन टू योर बॉडी, जब बॉडी कुछ मांग रहा है ना, अंडरस्टैंड हाउ टू हेल्प इट, डोंट सप्रेस इट। ये तो वो हो गया कि एक चीज़ आपको चाहिए बट आप उसको कॉन्स्टेंट मना दे रहे हो, और एक बच्चा बोल रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे उसको प्यार से बात करो कि ओके मुझे ये क्रेविंग हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। और जो मैंने क्रेविंग का वीडियो बनाया है उसको देखिए कि क्रेविंग्स क्या सिग्नल दे रही है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। और फिर जब आप लेट्स से सैंडविच खाया, बर्गर खाया, जो भी आपको पता है खाया, उसको फिर ये याद रख के खाइए कि ये मैं प्लेजर के लिए खा रहा हूँ, इससे शायद नरिशमेंट मिले ना मिले बट खुशी बहुत मिल रही है। तो उस हिसाब से खाओगे ना तो बॉडी को पता है कि अच्छा ठीक है, व्हाट, लेट्स प्रोड्यूस द राइट काइंड ऑफ थिंग्स। खाना अच्छा खा के जो आपको पसंद है,
फिर गिल्ट ट्रिप में चले गए, ये क्यों खाया, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, इस खाने में ये है, तो सब कुछ जो खाना करने वाला था वो भी नहीं करेगा, जो नरिशमेंट और खुशी देने वाला था वो भी हमने ख़त्म कर दी। सो प्लीज़ डोंट डू दीज थ्री सिंपल बट ईजिली डन मिस्टेक्स व्हेन यू आर ईटिंग योर मील्स। खाने को खाने के जैसे खाना है, दवाई जैसा नहीं।